हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों फ्रेंड्स, हमेशा की तरह। और अभी लाइट चली गई है इसलिए मैंने एक लाइट बंद कर दी है। और आज सुबह से मैं बड़ी परेशान हूँ। आज सुबह मैंने ये वाली साड़ी पहन ली थी और आज मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। अभी मैं इसको चेंज करने की सोच रही हूँ। और अभी हो गई है शाम। सुबह से आज मैं सिलाई में लगी हुई थी। देखिए मेरा पूरा सामान कैसे फैला हुआ है अभी सिलाई का। अभी लड्डू भी यहीं पर बैठे हैं। राधे राधे लड्डू। मैं लड्डू को अपने पास ही बिठाए रखती हूँ। मुझे कमेंट्स आई थी कि आप लड्डू को साफ़ सुथरी जगह पर बिठाइए। मेरा मन नहीं लगता लड्डू को अगर मैं अलग कहीं दूर बिठा देती हूँ। अपने पास ही बिठाए रखती हूँ हमेशा। वैसे यहाँ पे साफ़ है, यहाँ पे कोई गंदा नहीं है। ये बेडशीट है, इसको भी मैं मतलब जब भी मशीन लगाती हूँ तभी धुल देती हूँ। कोई गंदी नहीं है ये भी। और आज का मौसम कितना अच्छा है, अभी बैक साइड से दिखाती हूँ। तो कितना अच्छा मौसम है। आज हुई है बारिश, बहुत ही अच्छी वाली बारिश हुई है। अभी तक गीला हुआ रखा है, देखिए गीला हो रखा है अभी तक। कितना अच्छा मौसम हो रहा है अभी भी। और बच्चे देख रहे हैं टीवी। हेलो बच्चों, क्या कर रहे हो? दूध पी लिया आपने? क्या देख रहे हो? ये क्या आ रहा है टीवी में? मोगली। ओके, अभी मुझे करने हैं अपने बर्तन साफ। शाम का मेरा यही काम होता है, आप सबको पता ही है, जैसे कि बर्तन साफ करने हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आप सबको एक चीज़। हमारी माता जी आ गई हैं, देखिए हमारी माता जी आ गई हैं। आज हमने अपनी माता जी को अपने पास बुला लिया है। अभी से बड़ी जल्दी बुला लिया है अपने माता जी को, क्योंकि यहाँ पर ना बाहर बेचने वाले आ रहे थे, हमने उन्हीं से माता जी को ले लिया है। हमारी माता जी इतनी जल्दी आ गई है, सबसे जल्दी शायद हमारे पास ही आई है माता जी। क्योंकि क्या होता है ना, फिर यहाँ पर लेट हो जाता है हमें। और फिर यहाँ पर कोई भी गांव में होता है ना, गांव में फिर भी कोई भी बेचने वाला नहीं आ पाता है यहाँ पर। इसलिए हमने इस बार सबसे पहले ही माता जी को अपने पास बुला लिया। और ये भी आ गए हैं। मेरी चाय बन गई है। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी हो गई है रात, यानी कि शाम हो गई है। शाम के 6:30 बज गए हैं और मेरे रात वाले काम स्टार्ट हो गए हैं। शाम बोलो या फिर रात बोलो, एक ही बात है, रात ही होने वाली है। मैंने अपना दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है, जैसे कि दूध भी मम्मी लेके आ गई हैं। इसके बाद मैं दूध को बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर लाइट चली जाती है, लाइट जाने का डर होता है फिर, इसलिए। और मैं दूध को हमेशा ढक देती हूँ, कभी मच्छर वगैरह दूध में ना गिर जाएं। और अभी आ गई हूँ मैं अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। ये देखिए कितने सारे बर्तन हो रखे हैं। शाम के टाइम हो ही जाते हैं, क्योंकि चाय वगैरह पीते हैं सब, दूध बच्चे दूध पीते हैं और बच्चे खाना वगैरह खाते हैं। दोपहर को मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ ना, उसके बाद भी बच्चे तो उसके बाद भी एक बार खाना ज़रूर खा लेते हैं, तो वो भी बर्तन हो जाते हैं। उन सबको फिर मैं एक बार ही साफ़ करती हूँ शाम की चाय वाय के बाद, बार बार नहीं करती हूँ। और अभी ये है चाय की पत्ती, इसको मैं यहाँ पर नहीं डालती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये बंद हो जाते हैं पाइप वगैरह अगर हम ऐसे पत्ती वगैरह डाल देते हैं पाइपों में, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं डालती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे पूरे बर्तन साफ़ हो गए हैं। अभी मैं बर्तनों को धुल रही हूँ अच्छे से। ये देखिए मैं अपने बर्तनों को बड़े ही अच्छे से धुलती हूँ। कोई होता है ना टंकी में ऐसे ही धुल धुल के रख देते हैं, लेकिन मैं अपने हर एक बर्तन को अच्छे से, टंकी में तो पानी चलता ही रहता है, हाथ से भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा मन नहीं मानता ऐसे ही साफ़ कर दूँ टंकी से ही ओनली। ये देखिए मैं अपने हर एक बर्तन को अच्छे से क्लीन करके तभी रखती हूँ। ये देखिए ऐसे कौन कौन बर्तन साफ, वैसे इसीलिए मुझे बहुत ही टाइम लगता है बर्तन साफ़ करने में। ऐसे कौन कौन बर्तन साफ़ करता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना फ्रेंड्स। मैं तो हमेशा ये देखिए ऐसे ही बर्तन साफ़ करती हूँ। ये देखिए थोड़े से बर्तन थे और मुझे कितना टाइम लग गया है बर्तन साफ़ करने में, क्योंकि मैं हमेशा एक एक बर्तन को अच्छे से क्लीन करके तब रखती हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ खाने में सब्ज़ी क्या बनानी चाहिए मुझे। वैसे सब्ज़ी रखी है थोड़ी सी, सुबह की दाल रखी है एंड सुबह रात बनाए थे थोड़े से आलू, वो भी रखे हैं, देखते हैं। अभी मैंने सब्ज़ी तो कुछ नहीं बनाई है, मैं आटा गूंथ रही हूँ। मैंने आटा गूंद के रख देती हूँ। और वैसे भी सब्ज़ी भी मुझे नहीं बनानी है। मैंने मानी कि डैडी से पूछा
तो बोल रहे थे कि अगर सब्जी रखी है, दाल रखी है, थोड़ी सी थोड़े से आलू रखे हैं तो उसी से काम चल जाएगा, उसी से हम अपना शाम का खाना हमारा हो जाएगा। हमें ये नहीं है हमें कि मतलब अगर सब्जी रखी है हम उसको वेस्ट जाने देते हैं। हम कभी भी कोई भी सब्जी वेस्ट नहीं करते हैं। अगर हमारे पास हमारी सुबह की दाल वगैरह रखी होती है तो हम उसी से काम चला लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा मैंने आटे में नमक डाल लिया है जिससे रोटी में टेस्ट आ जाता है। मैं हमेशा आटे में नमक डाल के ही गूंथती हूँ, इससे क्या होता है हमारे खाने में टेस्ट बढ़ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बारिश हुई है और मैंने मेरी ये न्यू ड्रेस है। सो फ्रेंड्स, ये मेरी नाइट ड्रेस है और अभी हो रही है रात, अभी हम सोने जा रहे हैं। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप सबको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, प्लीज लाइक करिए, कमेंट्स करिएगा। तो फ्रेंड्स।